बहुत से लीडर्स का एक क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कुछ एपिन्स के बारे में बताओ, कैसे जनरेट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे आईडी को एक्टिवेट करना है, अपग्रेड पैकेज का कैसे पता चलेगा कि आईडी अपग्रेड हो गई है। तो वही सारे जॉब देने के लिए मैंने एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही चीज़ के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाए और हर बार आपको किसी को कॉल करना ना पड़े। ठीक है, तो देख लीजिए, यही आपका सामने डैशबोर्ड है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको लिंक दिख ही रहा है, फिर वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, मैं ब्रश खोल के दिखा देता हूँ, एक बार ब्रश कर देते हैं। 1 मिनट, ये मैंने ब्रश ऑन कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये आपका वॉलेट बैलेंस है, यहाँ आपका लेवल इनकम, यहाँ जितनी आप लेवल इनकम करेंगे यहाँ पे आपको लेवल इनकम शो हो जाएगी। ओके, जितनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आप लोगों की लग रही है वो सारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे शो होगी। 43 मेरे 43 डायरेक्ट हैं, तो आप लोगों की भी यहीं पे आपको शो हो जाएगी। ओके, उसके बाद टोटल विड्रॉल अभी तक मैंने कितना किया है, मैंने 300 रुपये तक मैंने विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, मेरी एक्टिवेशन डेट कब हुई थी, 17 दिसंबर को मैंने आईडी को एक्टिवेट किया था। टोटल इन्वेस्टमेंट मैं 71 रुपीज़ कर चुका हूँ, यानी कि 20 रुपीज़ मैंने आईडी को अपना एक्टिवेट किया। 51 रुपीज़ से जब मेरे 10 डायरेक्ट शो गए तो मैंने अपने 51 को ऑटो गोल के लिए एलिजिबल कर दिया। अभी तक मैंने अपनी आईडी से ही पिन 264 रुपये तक की पिन जनरेट कर चुका हूँ, यानी 300 रुपये तो मैंने विड्रॉ ले लिया था और 264 रुपये तक पिन जनरेट करके मैंने यहाँ से अपनी इनकम कर ली थी। ओके, यहाँ पे आपको एक्टिव शो हो जाएगा, बाकी यहाँ कंपनी की न्यूज़ चलती रहती है, लेटेस्ट न्यूज़ हर आपको दिखती रहेगी। जैसे लिखा हुआ है सेल्फ इनकम स्टार्ट नाउ 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को सेल्फ इनकम स्टार्ट होगी। आप जानते हैं अभी फुल तरीके से टास्क नहीं आए हैं, जैसे ही आ जाएंगे वो भी आपको जल्दी उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बात बोलना भूल गया मैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी कोई मैं अपडेट डालूँ तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि क्या अपडेट आ गया है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं यूज़र आईडी, यहाँ दिख जाएगी आपको। ठीक है, ऑटो पुल पैकेज 51 रुपीज़, जो मैंने एक्टिव ऑटो पुल का जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ शो होगा आपको 51 रुपीज़, और 20 तो आपकी आईडी एक्टिव होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट 71 रुपीज़ आपको दिख जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एपिन्स की, एपिन्स में अब आ जाते हैं। ओके, यहाँ से ऑप्शन में जाना है आपको, एपिन में आप गए। ओके, यहाँ पे आपको ज़्यादा किसी चीज़ को छेड़खानी नहीं करनी, सबसे पहले मैं आपको जनरेट पिन का बता देता हूँ। ओके, जनरेट एपिन में आप क्लिक करेंगे, ये है आपका जनरेट एपिन थर्ड ऑप्शन। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, जनरेट पिन पे क्लिक करना है। जब भी आपको पिन जनरेट करना हो अपने वॉलेट इनकम से, तो आप यहाँ जाएंगे जनरेट पिन पे, जैसे ही आप क्लिक करते हो ऐसा एक क्रिएट पिन का खुल जाएगा। टोटल बैलेंस आपके पास 22 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि 20 रुपीज़ तो आपका लग गया, 20 रुपीज़ आपका एपिन का लग गया, प्लस 2 रुपीज़ चार्जेस हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपको जितने पिन जनरेट करने हैं यहाँ पे अपना फिल कर दोगे, एक करना है, दो करना है, तीन करना है, जितने भी करने हैं। ओके, जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट ये ऑल ऑप्शन, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट करते ही आपका पिन जनरेट हो जाएगा और पिन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जाएंगे आप एपिन पे, और अनयूज्ड एपिन जो कि यूज़ नहीं हुए हैं, अनयूज्ड एपिन पे आप क्लिक करेंगे, या एडवर्टाइजमेंट में हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको वो एपिन शो हो जाएगा। ओके, जैसे ही यहाँ पे आपको एपिन शो होता है, एपिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, उस पर आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे आईडी अपग्रेड वो मांगेगा, यूज़र आईडी कौन सी आपको एक्टिवेट करनी है, वहाँ पे आप एक यूज़र आईडी डाल देना अपनी जो भी एक्टिवेट करनी है, और सबमिट पे क्लिक कर देना, डन, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी जो भी आप आईडी एक्टिवेट करेंगे। ओके, ये पिन्स का था। ओके, और इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे ट्रांसफ़र पिन, कोई कह रहा था कि मेरे पास ए पिन पड़े हैं तो मुझे ट्रांसफ़र कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं, ये चीज़ कैसे लगेगा। अब ट्रांसफ़र पिन पे जाओगे, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना, ट्रांसफ़र ए पिन पे जाना है, सिलेक्ट अमाउंट पे जाओगे, कौन सा ए पिन ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 20 वाला, 51 वाला, ज़्यादातर तो लोग 20 रुपीज़ वाला ही कर रहे हैं, तो 20 रुपीज़ पे आपको यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। उसके बाद अवेलेबल पिन यहाँ जितने भी आपके पास होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ओके, जितने भी 8 हो 10 हो 20 हो जितने भी, फिर आपको जिस आईडी पे ट्रांसफ़र करना है वो आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। ओके, यहाँ वो आईडी आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने पिन आपको डालने हैं, 1 2 3 4 5 जो भी, उसके बाद आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे और आपका पिन ट्रांसफ़र
हो जाएगा, तब आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ आपका पिन की हिस्ट्री की, आपने ट्रांसफ़र किया वो पिन गया कहाँ। कभी भी आपको देखना हो यहाँ ट्रांसफ़र पिन हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र पिन हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री नज़र आ जाएगी कि कौन सा पिन किसको आपने दिया है, कितने पिन दिए हैं। जैसे ये रही मेरी, मैंने जहाँ जहाँ पिन ट्रांसफ़र किए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। अभी तक मैंने 11 पिन मैं खुद अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र किए हैं, ज़्यादा मैं जनरेट करता नहीं, ज़्यादातर कंपनी से ही लोग लेते हैं, मेरे पास जब भी बैलेंस होता है तो मैं कई बार यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, बाकी अब इसमें कुछ खास बताने के लिए रहा नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ। बाकी रही बात सेल्फ इनकम की, तो सेल्फ इनकम आपको कल तक का, एमडी सर से बात हुई है कि कल तक टास्क स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से हम सभी सेल्फ इनकम ले सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसी अपडेट आता है सेल्फ इनकम का भी वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन जब भी आप किसी से करवाते हैं करते हैं, तो ऐसे में पहले आप इसी में इसका मेन लिंक से आप ज्वाइन करवाओगे, उसके बाद सेल्फ अर्निंग वाली से भी आप कराओगे। ओके बस, बाकी अपने अपने सभी आप ग्रुप बना लीजिए। ओके ठीक है भाई, गाइस बाय।